अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हम्प्टी डम्प्टी व्लॉग। दोस्तों आज यार मेरी तबीयत सही नहीं है, और ये देखें मेरी तबीयत के साथ साथ जो है ना हमारे ये हाई फ्लायर की तबीयत भी ख़राब लग रही है। मौसम यार थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, तो मौसम चेंज होने की वजह से, सर्दी के आगाज़ की वजह से ना ज़रा अचानक ही ठंड पड़नी शुरू हुई है, तो ठंड सी लगी है। हमारे कबूतर जो है ना यार ये देखें माशाल्लाह, ओ भाई ये भी यार ठंड से ना बड़ा सुस्त होकर बैठे हुए हैं। और हमारी डक चेक करें यार, क्यों भी क्या हाल है आपका, खोल दें आपको। ले जी हमारा मुर्गा जो है ना ये करीब करीब आ रहा है, कह रहा है यार मेरी वीडियो तो बनाते नहीं हो आप और मुझे पिंजरे में बंद करके रख देते हो, और मुझे भी दिखाओ यार कि मैं भी हूँ। ये देखें जी बड़ी करीब करीब आने की कोशिश कर रहा है यार। ये हाई फ्लायर को ना वाकई यार ये थोड़ी सी ठंड शंड लगी है, बेचारे के पर भी ख़राब हुए हुए हैं। तो हमारे फैंसी कबूतर आना शुरू हो गए नीचे। और भई आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ, तुम्हें दाना शाना डालें कुछ। यहाँ पे यार हमारा ना जो जो भी है, ये देखे जी ये नुक्कड़ में क्या कर रहा है भाई। हेलो, वो सोए हुए हो? नहीं जी जनाब, दिन के टाइम सोया हुआ है। अब चलते हैं यार बर्ड सेटअप पे, कोई ताला शाला खोलते हैं इसका और अपने बर्ड्स का ज़रा हाल चाल पूछते हैं। सबसे पहले तो यार लाइट शाइट ऑन करें ना यार ज़रा। और जनाब ये हमारे बबलू को चेक करें। ओ भाई क्या हाल है। ये देखें जी मुर्गा हमारा करीब ही आ गया, हमारे पास ही आ गया। स्वीटी ट्विटी भी आ गई है जी, बड़ा इनको आज शौक आ रहा है वीडियो बनाने का। वो नींद पूरी हुई है कि नहीं? ये जी वाह जी वाह, खरगोश का बच्चा भी आ गया यार। माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ चेक करो यार, कितनी ज़बरदस्त हो रही है। ओए होए होए क्या बात है भाई, क्या बात है। और दोस्तों हमारी डव चेक करें, डव जो है ना ये बेचारी अंडे शंडे कोई नहीं दे रही यार, इनका कोई इरादा नहीं अंडे शंडे देने का। ये इतना सारा नेस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, क्या करें। खैर, और ये हमारे खुद तेरी खैर हुए। ले जी जनाब आपको मैं अपने ऑस्ट्रेलियन चेक कराने लगा हूँ। और ये क्या है भाई, इसको क्या हो गया? हेलो, यार ये तो गुस्से में ही बेचारी मर गई है नीचे बैठे बैठे। ले जी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं इसको। ये हो गया हमारा नुकसान। और बाकी यार ये थोड़ा सा सुस्त हुआ है मेरा वाइट जो है ना रेड आइज। नहीं यार सुस्त नहीं है, ठीक ही है। इसको पता नहीं क्या बीमारी पड़ गई है बेचारी अचानक ही, कल तो अभी ठीक थी। और माशाल्लाह से चलें यार, खैर है कोई बात नहीं, इसलाह तो होता ही है। सेहत सूद इनकी सही है। इधर नज़र मार लेते हैं जी, कोई भी नहीं बाहर निकला, ये भी अंदर है। तो फिर इनकी जानिब आ जाते हैं जनाब। ये देखें लटीनो परसनाटा का बच्चा माशाल्लाह। और ये ज़ेब्रा फिंचेस नीचे ही रह रही है यार, लगता है ऊपर वाली जो है ना इनको ऊपर नहीं आने देती, मारना शुरू कर देती है। ये देखते वो बंगाली फिंच जो, अच्छा अच्छा अब समझ आई है यार कि ये नीचे क्यों बैठी हुई है, ये बंगाली मार रहा है। करीम किधर गया जी? ओए करीम क्या हाल है भाई, तुम इधर किधर हो? मैं तो स्पेशल आपको ढूंढ रहा था। ले जी करीम, आज मैंने तुझे पकड़ के छोड़ना है। ये पकड़ लिया मैंने। ओ यार आजा 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 आजा, हाथ में आजा हाथ में। ले जी ये मैंने पकड़ लिया जी करीम को। यार करीम का ना दिल नहीं कहता अपनी वीडियो बनाने को, पहले यार अच्छा खासा ये हैंड टेम था, अब इसको बीमारी पड़ गई है, चोखा ही हो गया है जी। अच्छा इसके परों के नीचे यार थोड़ा सा ब्लड भी रहता है। और ये बाकी जो है ना इसके दोस्त है। चलिए यार तुम
वापस अपने केज में ही चला जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। ले जी बाकी के हमारे कॉकटेल। चलो यार ये भी अच्छा है कि इनका आपस में सलूक है। ये ब्राउन पांडा ये अजीब गरीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। चलो भी निकलो, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ यहाँ से भाई निकलो। ओ यार ये भाई के सारे कबूतर जो है ना ये अंदर आ गए, ये इन्होंने क्या ड्रामा किया अभी। चलो 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 भाई निकल जाओ। ये भाई निकल गए। हाई फ्लायर को यार इधर ही रहने देते हैं, क्या ख्याल है। आप भी आ जाओ यार, आप भी बाहर आ जाओ जनाब। यार इनका आज मूड नहीं है, इनको पकड़ के ही बाहर लाना पड़ेगा। ये दी ओए होए छलांग मारी है बड़ी भैड़ी किस्म की इसमें। ओए तो यार ये मुर्गी जो है ना ये अच्छा नहीं करती, बाकियों कुट लगाना शुरू कर देती है। खरगोश का बच्चा देखेंगे यार। आज ना हमारा मिनी रूस्टर बेचारा जो है ना इसको भी ठंड लग गई है यार, पता नहीं क्या हो गया, ये भी थोड़ा सा बीमार सा हो गया। ये देखें माशाल्लाह है यार, बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह नजरे बस से बचाए। बस सर्दी की वजह से थोड़ा सा ना ये मुतासर हो चुका है और ये इस टाइम बहुत ज़्यादा डर रहा है क्योंकि स्वीटी इसके केज में आ चुकी है। तो ये डर रहा है कि जनाब मुझे निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो ये इसको रास्ता तो दो भाई निकलने का। चलो यार इसी में ही बंद कर देते हैं। ये मुर्गा भी आ गया यार, ये हमारा मुर्गा जो है ना इसको कभी कभी दौरा पड़ता है काटने का, ये काटना शुरू हो गया यार। दोस्तों अब आपको एक तमाशा दिखाते हैं। ये देखें जी हमारा प्यारा चूज़ा और ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स। ये देखें दोस्तों आपको वो ऊपर चील नज़र आ रही होगी पिंजरे के ऊपर बैठी हुई, अब उसको बुलाते हैं और ये उसके हवाले कर देते हैं। लो जी आखिरी खुदा हाफिज़। ये दोस्तों ये चील ने देख लिया है, ये चेक करें ये स्पीड से आई और उठा के ले गई। और अब ये दूसरी चील आई है। दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि यार ये देखे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन नहीं है। ओए होए होए अच्छा वो ऑस्ट्रेलियन तो नीचे गिर गया, इससे उठाया ही नहीं गया। ले जी अब यार ऐसे करते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलियन दोबारा लेके आता हूँ तो चेक करते हैं ये उठा के लेके जाती है कि नहीं। असल में ना इसने कोशिश सही की थी दोस्तों। अब चील के साथ साथ ना ये कौवा भी आ गया ये दरख्त पे, और दोबारा रखते हैं इनके सामने। अब चेक करते हैं जी अब किसको उठाती है चील। चील कहाँ गई ये अक्षी। ओहे 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 ये तो मुझे मारने लगी थी यार। ले जी चेक करें कितनी स्पीड से आती हैं ये, धोखेबाज होती हैं, धोखा देगी देखना। अभी अचानक ही आएगी तो इधर दो शिकारी हैं देखें, कौवे भी इंतज़ार में हैं और वो चील भी इंतज़ार में हैं। देखते हैं दोनों में से कौन लेके जाता है यार इनको। इसको थोड़ा सा पकड़ के दिखाता हूँ मैं कि भाई ये है ये तुम्हारा शिकार। दोस्तों जंगल में भी ऐसा ही होता है, एक का रिज्क लिखा होता है अल्लाह ने और दूसरे की मौत लिखी होती है, यही जंगल का कानून है। और ये देखें चेक करें ये आ गई, ये चील आ गई जी। अब चेक कीजिएगा एक और चील आ गई है जनाब। दोस्तों ये मंज़र चेक करें, इसने उठा के ले जाना इसको, जो मर्जी हो इसने उठा के ले जाना। ये जी इस बार की उसकी जो बारी है ना ये भी फेल हो गई है, अब दूसरी बार ये तीसरी बार ट्राई करने लगी है तो ये इसको उठाया नहीं गया। ये मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये तुम्हारा शिकार है। तो यार ये मैंने रख दिया, अब आने वाली है जी। दोस्तों एक कौवा भी आके ना यार ये ऊपर आके बैठ गया है,
अब देखते हैं यार के चील जो है ये तीसरी बार कामयाब होती है कि नहीं होती। दोस्तों ये उठा के ले गई। ओए होए होए यार ये तीसरी बार भी फेल हो चुकी है। ये नाड़ी है। अब दो आ चुकी हैं यार, दो तीन। दोस्तों तीन चीलें आ गई हैं और जो है ना एक कौवा है। अब देखते हैं कि यार इनको उठा के कौन लेके जाता है। लेकिन यार ये जो चील है ना ये बड़ी अनाड़ी साबित हुई है। ले दोस्तों चूजे को उठाने में यार चील कामयाब हो गई है और कौवे को जो जनाब वो बजरी जो पैरट था ये कौवा उठा के ले गया है। तो यार ये था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।